अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज की ये वाली वीडियो काफ़ी एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि कल न्यू अपडेट आ चुका है। तो कैसी लगी आपको अपडेट? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ हमारे को आई हैं नई अचीवमेंट्स, 4 न्यू अचीवमेंट्स आई हैं। तो उन सब अचीवमेंट्स की मैं एक एक करके वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी जो अचीवमेंट्स हैं वो ये न्यू आई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मास्टर ऑफ द रैगिंग सी, ये जो अचीवमेंट है इसके साथ आपको मिथिक लॉबी में मिलने वाली है बगैर टाइम लिमिटेड है। बाकी ये कि वे पनीर, ये वाली अचीवमेंट की आज हम डिस्कस करेंगे। और इसको ना इसके साथ साथ अभी दो और जो आई हैं वो ये वाली हैं, पार्टी वाली, स्टार ऑफ दी पार्टी वन, पार्टी क्रिएटर और स्टार ऑफ दी पार्टी वन, भाई इनकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी ये कि अभी हम वेव पनीर की बात करते हैं, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आप लोगों को सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो न्यू इवेंट आया है इसको आपने यहाँ पर लैंड हो जाना है, मतलब एक दफ़ा एंटर हो जाना है, इसमें से आपको ये वाली अचीवमेंट हो जाएगी। ये तो हर बंदा कर ही सकता है, ठीक है ना भाई? आप जिस तरीके से मैं एंटर हुआ हूँ इसी तरीके से आपने एंटर हो जाना है यहाँ पर, क्योंकि बंदे नहीं आते बीच में सेंटर में आते हैं। बाकी ये कि दूसरी ये है कि ये वाली जो लोकेशन है क्रैब ग्रास की तरफ है, ये लिविक में ही, और रेंगल का भी है, रेंगल में तो बहुत जगह जगह है। तो आपने जो छोटी सी जगह जो मैं एक्टिव कर रहा हूँ इसको एक्टिव कर लेना है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ये वॉल लगी हुई है वाटर वॉल, इस वाटर वॉल का ये डोर है, ये वॉल नहीं है डोर है। अब ये डोर खुल गया, ओपन हो गया। अब जैसे ये ओपन हो जाता है तो हम इसके अंदर जाते हैं, ठीक है ना भाई? यहाँ पर ये थोड़ी सी लूट छूट पड़ी थी, मैं जरा मैं ना उठा लूँ, है ना, कहीं अगर बंदा हुआ तो पीछे से मार दिया तो। तो भाई साहब यहाँ पर मैं ना जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ आपको भी इसी तरीके से जाना है, और यहाँ से जाने के बाद आपने ये ऊपर चले जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ का तो लेआउट और शो नज़र होगा, ठीक है ना? आपको ये जो खम्भे नज़र आ रहे हैं ना गिरे फिरे और उल्टे सीधे, तो इनको एक्टिव करना है। जैसे ये एक्टिव हुआ ना, अब ऐसे ही एक्टिव करना है। मैं सारे ना खम्भों के पास गया हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर 2-4 तो पहले से हुए हुए थे, सिर्फ इसमें 3 मेरे वाले में 3 हुए थे, बाकी आप लोगों के पास अलग आएंगे, क्या पता हम लोगों के पास 4 आ जाएँ, तो इसमें हो सकता है, ठीक है ना भाई साहब? मैंने तो 2 एक्टिव कर चुका था, बाकी मुझे तीसरा, मुझे वो उसी के पीछे नज़र आया, मुझे नज़र नहीं आया था पहले, तो मैं यहाँ पर आके इसको एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है? एक्टिव करने के बाद इवेंट अब हुआ है, तब ये दरवाज़ा होगा ओपन, ओपन होने के बाद हम इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ पर आपको 3 शेल मिल जाएंगे, 2 छोटे और 1 बड़ा। जैसे आप बड़े वाले को ओपन करोगे, ओपन करते ही आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स के साथ ये जो ब्लू कलर की जो बॉल मिली है ना, अगला मिशन इसका ही है, ठीक है ना भाई साहब? अब है ना इसको हम लोग यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं, और ये आपको यहाँ से लीव का ऑप्शन आ जाएगा, मिरर टाइप का, मतलब ये आपको रेंडमली कहीं पर भी फेंक देगा, मतलब जोन में फेंकेगा, ठीक है ना? अब मैं जोन से ही एनिमेशन चेक करो यार, बहुत आला एनिमेशन थी, मज़ा आ गया। अब ये जो सामने ब्लू टावर नज़र आ रहा है ना, ये होगा एक्टिव। अब ये एक्टिव होने के लिए ना मैं इसके लिए अलग से बहुत सारे फीचर्स हैं यार, ये अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी सिर्फ ये अचीवमेंट्स की वीडियो है। तो यहाँ से हम लोग उसको यहाँ पर आ जाते हैं, आने के बाद ये जो यहाँ पर हमारी पिस्तौल होती है ना, उस जगह पर हमने ये एक वाटर ब्लास्टर वाली गन होती है, इसको हमने उन्हें यूज़ करना है एक दफ़ा। तो ये है ना, इसके अंदर 2 ही बॉल्स होते हैं, बाकी है ना फिर ख़त्म हो जाती हैं, जैसे ही फायर बटन जैसे करते हैं ना, इसको फायर बटन करते हैं तो ये बॉल्स निकलना शुरू हो जाती हैं, फिर इसके अंदर एक ऑप्शन आता है तो वो उस पर क्लिक होते हैं, हम ऊपर पहुंच जाते हैं। ये एक अचीवमेंट ये वाला भी हो गया, ठीक है ना? अब दूसरा अचीवमेंट, वो जो बॉल दिखाई थी मैंने आपको जब मैं शेल लूट रहा था, तो उस वक्त वो बॉल ये थी व्हेल। अब इस व्हेल को एक दफ़ा इस पर राइड करनी है, कुछ भी नहीं करना है, राइड करनी है, तो ये वाला भी अचीवमेंट हो गया। आपका लिविक में ये 5-4 अचीवमेंट हो जाएंगे। 5वां अचीवमेंट करने के लिए आपको एरेंगल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई साहब? ये अचीवमेंट और ये जो है ना व्हेल, व्हेल का ये सिस्टम है कि अगर इसमें से बलून भी निकलता है, वो बलून अगर आप एनिमी को मारते हैं तो वो एनिमी 5-2 सेकंड के लिए बलून में आ जाता है, फिर कुछ नहीं होता। बाकी बोर्ड ताकि आपको रेंगल लगा लेना है, रेंगल लगाने के बाद आपको 30 पॉइंट्स जमा कर लेना है, और साथ में ये जो 30 पॉइंट्स का है ये खरीद लेना सबसे पहले टॉप पे जो आया हुआ व्हेल का, ठीक है ना? अब इसको खरीदने के बाद आपको इसको अब यूज़ करना बाकी रह गया है, ये यार लास्ट अचीवमेंट है। तो इसको कैसे यूज़ करना है? तो भाई साहब यहाँ पर आपको जहाँ पर ग्रेनेड होते हैं यहाँ पर आपने इसको देख लेना है, यहाँ से आपने कॉल करा लेना है अपने पास ज़मीन पर बुला के, तो आपको बस कुछ इस तरीके से बलून नज़र आ जाएगा। अब इस बलून के, वाटर बलून के अंदर आप जाएंगे, जाने के बाद 5 सेकंड रुकिएगा, 5 सेकंड में ऐसी वेल आएंगे ये आपको खा जाएगी। अच्छा ये जो चीज़ है ये है डायरेक्शन वाली, भाई ये डायरेक्शन आपको बताएगी, जैसे आप कहीं जोन में फंस गए हो और आपका जोन बहुत ज़्यादा दूर है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आसपास नहीं है, तो ये वेल आपके यहाँ मदद कर देगी, ये बहुत तेज़ भी चलती है, ठीक है ना? और ये डायरेक्शन जैसे मैं अब ये रूट सेट कर रहा हूँ, ऐसे रूट सेट कर लेना है आपको, जो व्यू रूट और डायरेक्शन रूट जो आ रहा था ऐसे कर लेना है। अब यहाँ से ना आपको लीव कैसे करना है, आप थोड़ा सा वेल के करीब आएंगे, आने के बाद
आपके पास आ जाएगा एग्जिट का ऑप्शन, ठीक है ना, वो जो जैसे गाड़ी के अंदर से आता है, तो आपको सिंपल ऐसे एग्जिट कर लेना है। तो भाई साहब ये थी हमारी आज की पायनियर वाली वीडियो, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दिएगा, कमेंट नहीं किया तो कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।